मेरा नाम है कन्हैया कुमार। मेरा नाम है प्रत्यु शर्मा। मेरा नाम है ऋषि कुमार। हम लोग स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग का चनाइन के छात्र हैं। आपके ग्रुप का क्या नाम है? हमारे ग्रुप का नाम है क्रिएटिव ग्रुप। आपके मॉडल का क्या नाम है? हमारे मॉडल का नाम है स्मार्ट मास्क। आपको यह आइडिया कहाँ से आया? हम लोग देखते हैं कि इस कोरोना काल में बहुत से ऐसे भाई लोग होते हैं जो काम भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर पब्लिक प्लेस में घूमते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जिनका एक हाथ सही रहता है एक हाथ सही नहीं रहता है, तो उन लोगों को मास्क पहनने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो हमने एक ऐसा मास्क डिजाइन किया है कि सर एक बार ले लीजिए। सर नमस्कार। आपको यह आइडिया कहाँ से आया? हमारे समाज में बहुत से हैंडीकैप लोग होते हैं जिनका एक हाथ काम करता है एक हाथ काम नहीं करता है। इस कोरोना के समय में वो भी जॉब करते हैं और ऑफिस जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं, पब्लिक प्लेस में घूमते हैं, तो उन्हें एक हाथ से मास्क पहनने में उतारने में दिक्कत होती है, और वे जब खाना खाते हैं तो उनको मास्क उतारना पड़ता होगा, फेस वॉश करते समय मास्क उतारना होगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी मास्क उतारने में एक हाथ से, इसलिए हमने एक मॉडल बनाने का सोचा। यह रोबोट कैसे काम करता है? यह रोबोट कुछ इस प्रकार काम करता है, हम अभी आपको दिखाएंगे। हम अपना हाथ अगर हम खाना या फिर अपना हाथ अगर इस सेंसर के सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको डाउन कर देता है मास्क को, और फिर कुछ सेकंड बाद फ्यू मिनट्स या फिर सेकंड्स बाद इसको ऑफ कर देता है और ये ऑटोमेटिक काम करता है। इस रोबोट को बनाने में आप तीनों का क्या रोल है? मेरे इस रोबोट को बनाने में आइडिया का रोल, मेरा रोल इसमें था, मैंने इसमें डिज़ाइन कनेक्शंस का काम किया है और मैंने इसमें कोड बनाकर प्रोग्रामिंग किया है और इस रोबोट को बनाया है। चार्ट इस रोबोट को बनाने में आप तीनों का क्या रोल था? मेरे इस रोबोट को बनाने में डिजाइन आइडिया का बहुत, मेरा इसमें रोल था वायरिंग कनेक्शंस और इसके डिज़ाइन का, मैंने इस रोबोट में कोड बनाकर और प्रोग्रामिंग करने का रोल था। इस रोबो को बनाने में क्या किसी लोकल मेंटर ने हेल्प की थी? अरविंद सर जो हमारे एटीएस के इंचार्ज है उन्होंने हमें इस रोबोट को बनाने में हेल्प किया है। कोई इंस्टीट्यूशन ने आपको इस मॉडल के प्रति फीडबैक दिया है? एटीएल यानी अटल टिंकरिंग लैब ने हमें फीडबैक दिया है इस मॉडल को बनाने का। और किसी इंडस्ट्री ने फीडबैक दिया है? हमारे स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग ने हमें फीडबैक दिया है।